दोस्तों टीवी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं जिन्होंने अपने हमसफर से शादी कर अपना घर बसा लिया है और आज उनके साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। वहीं इन अभिनेत्रियों में से कुछ अभिनेत्रियां ऐसी भी रही हैं जिन्होंने प्यार तो किया और उनके साथ काफी प्यारे लम्हे भी लंबे समय तक बिताए। ये प्यार इनका हमेशा से ही पहला प्यार रहा है, पर किसी वजह से उन्हें अपने इस पहले प्यार को छोड़ना पड़ा, जिसके चलते अपने इस प्यार को छोड़कर आज भी रोती हैं। जी हाँ, और इसलिए आज के हमारे वीडियो में हम आपको उन्हीं टीवी इंडस्ट्री की कुछ अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं जो आज भी अपने पहले प्यार को छोड़कर रोती हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए रूबरू होते हैं एक एक करके उन अभिनेत्रियों से। नंबर 8, अनीता हसंदानी। अभिनेत्री अनीता हसंदानी ने एक समय पर एजाज खान से प्यार किया था और इनका ये प्यार पहला प्यार था। जब ये सीरियल काव्य अंजलि के सेट पर इनसे मिली थी तभी इन्हें उनसे प्यार हो गया था और काफी लंबे समय तक उन्होंने इन्हें डेट किया था, पर जब उन्हें पता चला कि एजाज खान इनसे चीटिंग कर रहे हैं तो उन्होंने अपने पहले प्यार को छोड़ दिया। लेकिन इनका ये प्यार इतना गहरा था कि आज भी ये उन्हें छोड़कर रोती है। नंबर 7, श्रद्धा आर्या। अभिनेत्री श्रद्धा आर्या का पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि आलम मक्कर है, जिनसे इनकी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, जहाँ ये नच बलिए 9 में भी साथ में दिखाई दिए थे और ये दर्शकों के फेवरेट कपल भी बन गए थे। इनसे बेहद प्यार भी करती थी, लेकिन कुछ आपसी मतभेद के कारण श्रद्धा आर्य ने उनसे दूरियां बना ली थी, पर आज भी उनकी याद में ये रोती हैं। नंबर 6, निया शर्मा। अभिनेत्री निया शर्मा का पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि अभिनेता कुशाल टंडन है, जिनसे इनकी मुलाकात सीरियल 1000ों में मेरी बहना के दौरान हुई थी। साथ में काम करने के दौरान दोनों के बीच में काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। लेकिन जब निया शर्मा को कुशाल टंडन की एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने उनसे दूरी बना ली, लेकिन आज भी इन्हें कुशाल टंडन की याद काफी ज्यादा सताती है। नंबर 5, श्रुति झा। इस लिस्ट के 5वें नंबर पर बात करते हैं अभिनेत्री श्रुति झा की, जिनका हर्षद चोपड़ा के साथ रिलेशनशिप काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था, जहां ये दोनों ही सीरियल सौभाग्यवती भव के दौरान एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। दोनों की फ्रेंडशिप काफी ज्यादा गहरी थी, तभी तो इनकी ये फ्रेंडशिप पर रिलेशनशिप में बदल गयी। लेकिन इन्होंने भी आपसी मतभेद के कारण हर्षद चोपड़ा को छोड़ दिया था और आज हर्षद चोपड़ा को ये याद करके खूब रोती है। नंबर 4, जेनिफर विंगेट। इस लिस्ट के 4थे नंबर पर बात करते हैं अभिनेत्री जेनिफर विंगेट की। वैसे तो जेनिफर विंगेट का पहला प्यार करण सिंह ग्रोवर ही रहे हैं, लेकिन उनसे डिवोर्स होने के बाद अगर किसी ने इनके जिंदगी में पहले प्यार बनकर दस्तक दी है तो वो है सहवान अजीम, जिनसे इनकी मुलाकात सीरियल दिल मिल गए के दौरान हो गयी थी। लेकिन तब ये एक नॉर्मल फ्रेंड ही थे, पर बाद में जब ये सीरियल बेपनाह के दौरान मिले थे तब इनको इनसे प्यार हो गया था, लेकिन इनके बीच भी आपसी मतभेद की वजह से जेनिफर ने इन्हें छोड़ दिया था और आज ये इन्हें याद करके खूब रोती है। नंबर 3, रश्मि देसाई। अभिनेत्री रश्मि देसाई का पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि नंदेश सिंह सिद्धू है, जिनसे इनकी मुलाकात उत्तरन सीरियल के दौरान हुई थी। इनका ये प्यार इतना गहरा था कि इन्होंने एक दूसरे से शादी भी रचा ली। लेकिन जब रश्मि देसाई को इनके पति के एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में पता चला तो इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, पर आज भी ये इनके दिल में बसे है, तभी तो आज ये इन्हें याद करके रो भी देती है। नंबर 2, दिव्यांका त्रिपाठी। इस लिस्ट के 2 नंबर पर नाम शुमार होता है अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी का, जिनका पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि अभिनेता शरद मल्होत्रा है, जहां इन दोनों की मुलाकात सीरियल बनो में तेरी दुल्हन के दौरान हुई थी। दोनों के बीच में इतना प्यार था कि ये हमेशा ही एक दूसरे के साथ में नजर आते थे, लेकिन बाद में शरद मल्होत्रा कुछ रूडली बिहेव करते थे दिव्यांका के साथ, इसी के चलते दिव्यांका त्रिपाठी ने इनका साथ छोड़ दिया, लेकिन आज भी अपने पहले प्यार को नहीं भुला पाई है। नंबर 1, शिवांगी जोशी। इस लिस्ट के 1 नंबर पर बात करते हैं अभिनेत्री शिवांगी जोशी की, जिनका पहला प्यार मोहसिन खान रहे हैं। दोनों के रिलेशनशिप की इंडस्ट्री में खूब चर्चाएं भी रही हैं, लेकिन शिवांगी जोशी ने मोहसिन खान का साथ छोड़ के अपने करियर पर फोकस करना चाहा और आज ये अपने करियर में काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी है, पर ये आज अपने प्यार को भुला नहीं पाई है और आज भी ये मोहसिन खान को याद करती है और उन्हें याद करके ये खूब रोती भी है। वेल दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि टीवी इंडस्ट्री की अभिनेत्रियां अपने पहले प्यार को छोड़कर आज भी रोती हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।